welcome to the show, the Zahn's Open Kitchen. आप सब लोगों का स्वागत है. I told you last time, मैं आपके लिए अलग अलग dishes बनाऊंगा और आज जो dish मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ वो है crab tandoori masala. You know, I'm very foodie, तो रोज कुछ ना कुछ अलग अलग बनाते रहता हूँ और आप लोगों के सामने पेश करते रहता हूँ. इस बार आप लोगों को बहुत मजा आएगा बिकॉज लाइव क्रैब तंदूरी मसाला मैं बनाने वाला हूं. और यू नो, जिस तरह लास्ट टाइम हमारे जो कैटेगर अशोक भाई वो गए थे मच्छी पकड़ने के लिए, फिश पकड़ने के लिए, और इस बार भी उसने मुझे कहा है कि मैं बहुत अच्छे क्रैब्स पकड़ के लेके आऊंगा. मड क्रैब्स बहुत टेस्टी होते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं, और जब बारिश होता है उसके अगर दूसरे दिन अगर हम क्रैब्स लाए तो वो बहुत ही ज़्यादा भरे हुए होते हैं. तो बहुत मज़ा आएगा, हम आप लोगों को ये सब देखने के लिए और एंजॉय करेंगे मेरा तंदूर क्रैब मसाला. और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बेल आइकन है उसको दबा लीजिए ताकि मेरे जितने भी वीडियोज़ आए आप सब लोग देखते रहे और आपको पता चल जाए. एक भाई आ गए हैं, आई कैन सी हिम. यो, वाह 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 अशोक भाई, क्या बात है, क्या बात है. ओह माय गॉड, लुक एट दिस मैन. ओ हो, बाप रे बाप, देख सकते. ओह माय गॉड, क्या बात है. डालिए इसमें, डालिए. ऑसम, ये क्रैब को पकड़ के लेके आए हैं. वाओ, सी दिस, उसका जोर देखो. माय गॉड, वाओ, क्या बात है. ये कोई बात नहीं, एक बार मैं पैर पकड़ लूं उनके फिर मुझे डरने की जरूरत नहीं है. ऑसम. तो दोस्तों देखिए, इसके ये आप देख सकते हो कि अगर इसके अंदर उंगली आ जाए तो आपकी क्या हालत हो सकती है. वाओ या, तो हम इसको आज बनाएंगे लाइव क्रैब तंदूरी मसाला. देखते हैं, इसको हम थोड़े टाइम के लिए बर्फ में रहने देंगे और उसके बाद हम उसको साफ करके बहुत ही अच्छी तरह धोकर वी विल स्टार्ट मेकिंग. तो मैं ये पूरा दे रहा हूँ मेरे अशोक भाई को. देखो निकलने की कोशिश में है कि भाई जाके इसको साफ करके लेके आओ. अशोक भाई जाइए, आप उधर फटाफट साफ करके लेके आइए. तो मैंने भेज दिया है क्रैब को साफ करने के लिए, और हमेशा ध्यान रखना क्रैब को बहुत प्रॉपर तरीके से साफ करना ज़रूरी है क्योंकि मुझे ज़रा भी ऐसी बास जो आती है वो मुझे नहीं पसंद. इसलिए उसको अगर आपको प्रॉपरली धोना है तो एक मैं आपको बताता हूँ कि आप जो बेसन होता है उसमें इसको डाल दीजिए और अच्छी तरह से वो बिल्कुल उसका स्मेल भी नहीं आएगा और बहुत टेस्टी आपको लगेगा. तब तक मैं आपको बताता हूँ कि इसका मसाला हम देसी तरीके से इसको कूटेंगे. सबसे पहले जो क्रैब तंदूर मसाला में जो इंग्रेडिएंट्स होंगे वो है मिर्ची, जीरा और लहसुन. उसको हम पीसेंगे और पीसने के बाद हम उसको मैरिनेट करेंगे तंदूर को और अपना क्रैब को, और फिर हम रखेंगे उसको बारबेक्यू के ऊपर. सो गाइज बी रेडी, आप प्लीज़ आइए और इसको थोड़ा कूट कर लेकर आइए. थैंक यू. जल्दी से जल्दी लाइए ताकि हम जल्दी जल्दी खाना बनाए और हम लोग टेस्ट करें. तो आप देख सकते हो कि किस तरह ये जो संगीता जी है यहाँ पे किस तरह वो देसी तरीके से इसको कूटती है. जब भी कोई ऐसा कोई मसाले मैं बनाता हूँ, जब भी कोई ऐसा मैं फूड बनाता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि इस तरह से इसको कूटा जाए बिकॉज ये जो टेस्ट आता है ना बहुत ही लजीज टेस्ट आता है. तो हमेशा अगर आप आजकल ग्राइंडर्स आ गए हैं लेकिन उसमें वो टेस्ट नहीं मिलता, अगर आपको सचमुच टेस्ट अच्छा चाहिए तो ऑलवेज इस तरह से पत्थर पे देसी तरीके से इसको कूटे और फिर उसका मज़ा लीजिए टेस्ट का. थैंक यू. और दिखाइए, देखो कैसे किस तरह अच्छी तरह से ये हो चुका है. ऑसम, क्या बात है, बहुत अच्छी तरीके से आपने साफ़ किया है. ऑसम. अभी हम क्या करेंगे, इस क्रैब को थोड़े मसाले डालकर मैरिनेट करेंगे. और लाओ, बहुत अच्छे, ये हमने एक नींबू काट के ऐसे काटे जाता है, और सबसे पहले इसको खोल दीजिए और इसके अंदर नींबू डाल दीजिए ताकि वो हर तरीके से इसके अंदर पहुंच जाए. थोड़ा थोड़ा इसको हमें
इस तरह क्रैक करना होता है ताकि अंदर सब चला जाए मसाला, जैसे पैर के अंदर भी। तो इस तरह सबसे पहले नींबू डालिए, बहुत अच्छे। उसके बाद सारे यहाँ पे मसाले जाएंगे। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि मैं जब भी कुछ काम करता हूँ थोड़ा मैसी कर देता हूँ, हाँ, तो कोई बात नहीं, हमारे जो अशोक अंकल है बाद में आके साफ कर देंगे। ये सारे मसाले जा रहे हैं अंदर। इसमें मसाले में मैं आपको बता दूँ, ये है लाल मिर्ची जो हमने सबसे पहले डाली, ये धनिया पाउडर है, और ये है हमने जो स्पेशली घर में बनाया है, इसको कहते हैं तंदूरी मसाला, जिसमें हमने सूखा हुआ अदरक और ये सब मिला के हमने घर पे ही बनाया है, और थोड़ा बहुत हल्दी। यस, ये मैरिनेट हो जाता है इस तरह, थोड़ा इसको करके हमें रखना चाहिए। नाउ जो हमने मसाला बनाया था, आंटी जी वो जो मसाला बनाया था वो लाइए आप। यस, देखिए ये जो ये स्पेशल मसाला है, ये मसाले का टेस्ट, वाह। ये मसाले को उसको अंदर भर देंगे। देखिए किस तरह मैं भर रहा हूँ मसाले को अंदर, ऐसे भरने के भर देना चाहिए ताकि हर एक पोर्शन पे वो मसाला लग जाए। This is going to go on to the barbecue. This is the way. Let me pick this up. See, wow. Wow. Ooh la la. Kya baat hai. Have some oil. आप लोगों को अगर ये ऑयल डालना है अपना ऑलिव ऑयल, तो ऑलिव ऑयल मैं ऑलिव ऑयल डालता हूँ, ऑलिव ऑयल भी आप डाल सकते हो। Wow, this is the way. देख सकते हो किस तरह वो पक रहा है, उसको पकने देना चाहिए एटलीस्ट फॉर 15 टू 20 मिनट्स पकने देना चाहिए। देखो ये एक चीज़ में जैसे ओपन एयर किचन में काफ़ी मज़ा आता है, देखो अभी थोड़ा थोड़ा बारिश आ रहा है तो मज़ा आता है ऐसे में पकाने में और फिर खाने में, मौसम इतना सुहाना है। तो थोड़ा पलटी करता हूँ, लेट्स टर्न, वाह, टर्न होने देना चाहिए। दूसरा क्रैब भी मैरिनेट होके रेडी है, दैट विल आल्सो गो ऑन फायर। थोड़ा सा तेल, ये होने के बाद हम लोग एक्चुअल प्रेपरेशन शुरू करेंगे। पड़े हुए कुछ चीजें हमें काट लेनी है। सब निकाल के ये छोटे छोटे ऐसे पीसीज में, ज्यादा छोटे पीसीज नहीं करने, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और कोशिश करना है कि उसको मीडियम पीसीज में रखें हम, ताकि उसका स्वाद हम ले पाए। थोड़े येलो कैप्सिकम भी हम यूज़ करेंगे उसमें, ये डालने से थोड़े टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। इतना ध्यान रखना है कि हमारे क्रेब्स जल न जाए, उसके ऊपर भी ध्यान रखना है ताकि खाने में और ज़्यादा मज़ा आए। ये सब कट के रेडी है। नाउ विल अगेन टर्न द सेकंड वन। इसे देख सकते हो थोड़ा बहुत पकना शुरू हो गया है, सब ऑयल अंदर से निकलना शुरू हो गया है। दैट मींस हम इसको बहुत पूरी तरह वेल्डन नहीं करेंगे राइट नाउ, बिकॉज उसको और पकाना भी है ग्रेवी के अंदर, सो इसको हम वेल्डन नहीं करेंगे। बन के रेडी हो चुके, माय गॉड, सीरियस, इसको हाफ डन करना है, वेल डन नहीं करना है। हम रखते हैं इसको, प्लेट दे दीजिए उस दर से, हम प्लेट के ऊपर रखते हैं। ओ वाह, रेडी है, हाफ डन होके रेडी है। अब हम
फ्राई पैन को डालेंगे इसके ऊपर और पकाएंगे। जी हमेशा मैं लोग गैस के ऊपर पकाते हैं, चूल्हे के ऊपर पकाते हैं, मेरा जो चूल्हा है वो मैं हमेशा देसी तरीके से बनाता हूँ, जिससे एक फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो मज़ा आता है। तो पहले तो हम थोड़ा ऑलिव ऑयल इसमें डाल देंगे। ये हुआ, थोड़ा गर्म होने देते हैं। इसमें कांदा शुरू कर देते हैं फ्राई करना। कांदा फ्राई, कांदे को थोड़ा रेड होने देते हैं। तब तक हमारी ये सारी चीजें यहाँ पे रेडी है और मैं कोशिश ये करूँगा कि अब थोड़ा सा अच्छा सा ग्रेवी बनाया जाए। लेकिन अगेन आई एम जस्ट रिमाइंडिंग यू गाइस, पहले अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कांदा रेड हो चुका है, यस रेड हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे ये काटी हुई रेड एंड येलो कैप्सिकम। देखा ये कैसा, एक आपको पता चलेगा किस तरह का कलर आ रहा है। देखिए ये कलर आना बहुत जरूरी है। थोड़ा पकने दीजिए उसको, फ्राई होने दीजिए। हाँ, नाउ व्हाट वी विल डू इज, इसको सबको थोड़ा साइड में लेते हुए ये जो क्रैब्स है उसके हम दो टुकड़े करेंगे क्रैब के, ताकि हमें बहुत इजी लगे के साथ। बस सिंपल, इट्स डन, पक चुका है पूरा। देखो सारा जूसेस, देख सारे जूसी, इट हैज बिकम वेरी जूसी, पक चुका है प्रॉपर तरीके से। सी दिस, यू कैन सी, यस ये कर दिया। नाउ ये हो चुका है आई एम श्योर। इसके बाद हम डालेंगे ये जो मसाला हम लोगों ने जो बनाया, वो बहुत इंपॉर्टेंट मसाला है, वो हम डालेंगे। खुशबू, वाव, जैसे डालते ही पूरा खुशबू चेंज हो गया। इसके बाद थोड़ी मिर्ची, थोड़ा घर पे बनाया हुआ मसाला, तंदूरी मसाला, और थोड़ा धनिया पाउडर, थोड़ा गरम मसाला। या अब इसको हम थोड़ा मिक्स कर देंगे। बहुत अच्छा पकने लगा है ऐसे। स्मेल क्या आ रहा है, वाओ मैन। सो ऐसा बहुत ज़रूरी होता है प्रॉपर तरीके से पकना। और अब बन चुके, नाउ हम लोग क्रैब्स को डाल देंगे उसके अंदर, फिर हम थोड़ा मिक्स करेंगे उसको। सी, थोड़ा मिक्स करना ज़रूरी है प्रॉपर तरीके से। सबसे इम्पोर्टेंट आपके हिसाब से नमक बहुत इम्पोर्टेंट है, अपने हिसाब से डालते रहो। मुझे थोड़ा, मैं कम नमक खाता हूँ तो मैं कम डालूँगा। अभी अगर किसी को, सबसे इम्पोर्टेंट, अगर ये किसी को ड्राई खाना है तो मेरे हिसाब से ये हो चुका है। लेकिन अगर मुझे थोड़ा ग्रेवी पसंद है, अगर मैं इसको ब्राउन राइस के साथ खाना चाहता हूँ, तो थोड़ा उसमें पानी डाल दीजिए। इसके बाद और काफ़ी चीज़ें आएगी। अगर ड्राई आपको नहीं खाना है तो थोड़ा पानी डालिए, थोड़ा ग्रेवी बनाइए उसका। मुझे ग्रेवी के साथ थोड़ा ज़्यादा पसंद है, मैं ग्रेवी के साथ बनाऊँगा। देखिए आप ज़रा क्लोजअप लाइए, देखिए दिखाइए उन लोगों को कि किस तरह ये बन चुका है।
थोड़ा ग्रेवी के साथ मैं खाता हूँ ये ऐसे। हाँ बहुत अच्छी तरह कुक हो चुका है। वाओ इसको खाने में जो मजा आएगा ना। चलो हम इसको डालते हैं। यो सिरस इसको डाल के हम इधर कर लेते हैं। इसको प्रॉपर तरीके से हम उसके ऊपर हम थोड़ा ये जो फुदीना होता है वो डालना, उसका एक टेस्ट अलग आता है फुदीना का, वो डालते हैं। उसके बाद थोड़ा कोथिंबीर डालते हैं। एंड दिस इज माई तंदूर क्रैब मसाला रेडी हो चुका है। आप देख सकते हो किस तरह बना है। जस्ट क्लोज थोड़ा एक बार बताइए। ऑसम। ये बिल्कुल रेडी हो चुका है और मेरे पेट में जाने के लिए रेडी है। आप लोग प्लीज 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 अब आप लोग सब चले जाइए बिकॉज मैं इसको खाने वाला हूँ। बहुत मज़ा करूँगा। और एक बार मैं आपको बता दूँ कि प्लीज़ आप लोग भी ये रेसिपी अपने घर पे ज़रूर बनाइएगा और मुझे पोस्ट करिएगा। आपको बहुत जल्द उसके बाद जो आपको मैं बताने वाला हूँ क्या रेसिपी है, दैट इज़ चिकन बिरयानी। वो चिकन बिरयानी हम वुड के ऊपर पकाएंगे, वो एक अलग टेस्ट आता है। सो नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे किस तरह मैं चिकन बिरयानी पकाता हूँ। तो दोस्तों प्लीज डू नॉट फॉरगेट, अगेन आई एम टेलिंग यू, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स चाहिए और आप प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए मेरी चैनल को और बेल आइकन दबा दीजिए और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, कमेंट करिए, बिकॉज आई लव यू ऑल एंड आई एम गोना कम बैक विथ चिकन बिरयानी।